दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस अनन्या पांडेय की पेरिस कुटुअर वीक में रैंप वॉक के बारे में। साथ ही साथ हम भूमि पेडनेकर की न्यू अपकमिंग फिल्म भक्षक के बारे में अपडेट्स देंगे और साथ ही फाइटर मूवी की रिलीज के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों रिसेंटली सुहाना खान पेरिस में अपनी BFF और को एक्टर अनन्या पांडेय को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थी। अनन्या पांडेय ने पेरिस कुटुअर वीक में अपना इंटरनेशनल रनवे डेब्यू किया। सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी पेरिस जर्नी की पिक्चर्स का एक कैरोसेल शेयर किया। उन्होंने अनन्या पांडे की वॉक की भी क्लिप शेयर की। अनन्या पांडे ने पेरिस कुटुअर वीक में डिजाइनर राहुल मिश्रा के लिए रैंप पर वॉक किया। एस कुटुरियर ने मंडे को फैशन गला के 2024 एडिशन में अपना हॉट कुटुर स्प्रिंग कलेक्शन सुपर हीरोज प्रेजेंट किया। अनन्या ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वॉक की पिक्चर्स शेयर की। उन्होंने बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स भी शेयर की। अनन्या को रिसेंटली नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म खो गए हम कहां में देखा गया था, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौर भी थे। उनकी नेक्स्ट फिल्म का नाम कंट्रोल है, जिसकी डायरेक्शन फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुहाना ने हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया पर जोया अख्तर की दी आर्चीज के साथ वेरोनिका लॉज के तौर पर अपनी एक्टिंग का डेब्यू किया। दूसरी तरफ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म भक्षक में अपने फैंस को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हैं। भूमि ने दम लगा के हईशा के साथ अपने डेब्यू के बाद से ही फरवरी में इनक्रेडिबल सक्सेसेस हासिल किए और अब भूमि भक्षक से भी यही एक्सपेक्ट करती है। फिल्म में भूमि ने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है। भूमि ने 2015 में दम लगा के हईशा से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जिसने उन्हें अलग कर दिया। भूमि ने कहा, भक्षक 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। ये मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक है। पुलकित की डायरेक्शन में बनने वाली भक्षक में भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव और साई तम्हांकर लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। भक्षक में भूमि पेडनेकर ने वैशाली सिंह के तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है। फिल्म 9 फरवरी से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इसके अलावा भूमि एक फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और अर्जुन कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी। अब बात करते हैं फाइटर मूवी के बारे में। फाइटर आज सिनेमाज में रिलीज हुई। फैंस ने इसे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के दरमियान इनक्रेडिबल केमिस्ट्री के साथ साथ स्टोरी लाइन के लिए भी पसंद किया, जिसमें पेट्रियटिज्म के एलिमेंट को खूबसूरती से पेश किया गया है। एक फैन ने फिल्म के लिए अपनी तारीफ का इजहार करते हुए कहा, ऋतिक रोशन ने इस रोल के साथ इंसाफ किया है। वो एक रियल एयर फोर्स ऑफिसर की तरह लग रहे हैं और लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए क्योंकि ये पेट्रियटिज्म से भरपूर है। एक और फैन ने और कहा, मुझे ऋतिक और दीपिका के दरमियान केमिस्ट्री बहुत पसंद है। फाइटर की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई के यश राज फिल्म्स स्टूडियो में एक स्पेशल स्क्रीनिंग को होस्ट किया गया, जिसमें कई फेमस पर्सनालिटीज आए। शाहरुख खान से लेकर ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान तक उनकी फिल्म देखने के लिए आए। शाहरुख खान अपनी लग्जरी कार में पहुंचे। फिल्म पर शाहरुख खान के रिव्यूज के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने बताया, उन्हें ट्रेलर पसंद आया। मैं उनसे उस दिन मिला था जिस दिन ये रिलीज हुई थी। वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। सिद्धार्थ और शाहरुख ने पठान में एक साथ काम किया। इसमें दीपिका पादुकोण भी थी। क्या आपने फाइटर मूवी देखी है? हमें कॉमेंट्स में बताएं।